मॉर्निंग, मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर थ्री। तो क्लास फोर, चलिए आज हम लोग चैप्टर थ्री को रीड करते हैं। चैप्टर थ्री जिसका नाम है शब्द और वाक्य। इस चैप्टर में हम लोग शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले शब्द और वाक्य का परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए पहले उसकी परिभाषा से परिचित होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम उसके परिभाषा को नहीं जानेंगे तब तक उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जान सकते। इसलिए पहले हमें उसका परिभाषा देखना है, उसके बाद उसके अंदर की चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए फिर परिभाषा से परिचित होते हैं। तो शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात शब्द जो होते हैं वो वर्णों के सार्थक समूह से बनते हैं। शब्दों का निर्माण वर्णों के सार्थक समूह से होता है। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। हमने देखा कि शब्द का निर्माण वर्णों के सार्थक समूह से होता है और वाक्य का निर्माण शब्दों के सार्थक समूह से होता है। अर्थात इसमें ध्यान देना है कि वर्ण जो होते हैं ऐसे मिलने चाहिए कि उससे हमें अर्थ की प्राप्ति हो, यानी कि वर्ण का क्रम निर्धारित होता है शब्द बनने में और शब्द का क्रम निर्धारित होता है वाक्य बनने में। ये अपने क्रम के अनुसार जब मिलते हैं तो वर्ण जो है वो शब्द का निर्माण करता है और शब्द जो है वो वाक्य का निर्माण करते हैं। तो सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा मेल, अभी आप लोगों ने उसके परिभाषा को जाना शब्द के, कि वर्णों के सार्थक मेल को ही, वर्णों के सार्थक मेल या समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थात कमल, कमल एक क्या है, शब्द है, उसमें क्रम निर्धारित है, क क के बाद म, म के बाद ल। जब ये ऐसे क्रम में होता है तो कमल शब्द का निर्माण करता है। लेकिन क्या आप लोग देखते हैं कि जब यही वर्ण क्रम इधर उधर कर दो इन्हीं वर्णों का, तो वो जो कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द वो नहीं बन पाता है। अर्थात वह ये वर्ण जो है वो शब्द का निर्माण नहीं कर पाते हैं। जैसे कमल है तो हम लमक कर दें तो लमक से हमें किसी भी शब्द का बोध नहीं होता है, किसी भी शब्द के अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध क्रम के अनुसार सार्थक समूह से शब्दों का निर्माण होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो शब्द हमारे निर्धारित हैं शब्दकोश में उनमें क्रम जो है वह व्यवस्थित क्रम है और उसी के अनुसार वर्णों का मेल होता है और इसीलिए वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। तो शब्द किससे बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। यदि क्रम बदल जाता है, हम उन्हीं वर्णों को जो एक शब्द में प्रायः प्रयुक्त होते हैं उन्हीं वर्णों को जब हम इधर उधर कर देते हैं तो वो अपने निश्चित सैद्धांतिक अर्थ को व्यक्त करने में असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात वो अपने अर्थ को नहीं व्यक्त कर पाते हैं। वाक्य, शब्दों के समूह, ऐसे समूह जो कि सार्थक हैं, शब्दों के ऐसे समूह जो कि सार्थक हैं, शब्दों के सार्थक समूह से हमारे वाक्य का निर्माण होता है। जिस तरह हमने देखा कि जब एक शब्द में वर्ण का क्रम बदल जाता है तो वह शब्द अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाता, यानी कि वह शब्द का निर्माण ही नहीं कर पाता, वैसे ही वाक्य में यदि शब्दों का क्रम बदल जाएगा तो वह वाक्य अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाएगा। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जो एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्द जो निश्चित अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें ही हम शब्द कहते हैं, जैसे कि पानी, बाजार, चाय। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, हमने दो भेद बताया आप लोगों को शब्द के। तो सार्थक क्या है वो हमने आप लोगों को बता दिया, अभी हम लोग निरर्थक को जानेंगे। तो निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये निरर्थक शब्द अर्थवान शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं और कोई न कोई अर्थ व्यक्त कर देते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से इनका कोई अर्थ नहीं होता है।
हम जैसे बोलते हैं पानी के साथ वाणी, चाय के साथ वाय, बाजार के साथ वाजार, इन तीनों ही शब्दों का, बाजार, वाणी और वाय, तीनों ही शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जब ये इनके सार्थक शब्द से अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो कोई भी अर्थ नहीं व्यक्त करते। लेकिन हमारे यहाँ बोलचाल में इसको प्रयोग किया जाता है। चाय, चाय वाय अर्थात चाय के साथ कुछ खाने के लिए, पानी वानी यानी कुछ पानी के साथ खाके पानी को पीने के लिए, ऐसे हम लोग प्रयुक्त करते हैं। लेकिन इनका कोई स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है। तो शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों का निर्माण कैसे होता है? वर्णों के सार्थक समूह से शब्दों का निर्माण होता है। वाक्य, शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार शब्द में वर्ण का क्रम बदल जाता है तो वो अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार वाक्य में यदि क्रम बदल जाए शब्दों का तो वाक्य भी अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाता है। जैसा कि आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है, तीन सेंटेंस है, उसमें देख लीजिए आप लोग, नितिन गाना गा रहा है, रेहाना नाच रही है, चिता दौड़ रहा है, ये वाक्य है सार्थक, क्योंकि इनसे हमें निश्चित अर्थ प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब इन्हीं वाक्यों में शब्दों का क्रम हम लोग बदल देंगे तो हमें अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे गीता गा रही है तो रही गा है गीता, रही गा है गीता, ऐसे अगर क्रम बदल जाए तो हमें वाक्य का अर्थ नहीं प्राप्त होगा, तो वे सार्थक वाक्य या फिर वाक्य नहीं कहे जा सकते, वे निरर्थक हो जाएंगे। वाक्य के भी दो भेद होते हैं, वाक्य के भी दो भेद होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य वाक्य में वह होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वही भाग क्या होता है? उद्देश्य होता है। जैसे आशीष सो रहा है, चिड़िया उड़ रही है, ये दोनों वाक्य हैं। चिड़िया उड़ रही है, हम जो भी कुछ कह रहे हैं चिड़िया के बारे में कह रहे हैं कि चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया जो शब्द है वही उद्देश्य है। आशीष सो रहा है, आशीष जो शब्द है वही उद्देश्य है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, वही क्या होता है? उद्देश्य होता है। और वाक्य का दूसरा भेद होता है विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया या कहा जाता है वही होता है विधेय। जैसे हमने बताया आपको चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया जो शब्द है वो उद्देश्य है, लेकिन बाकी का जो वाक्य का भाग है उड़ रही है, यही क्या है? विधेय है। आशीष सो रहा है, आशीष आपका उद्देश्य है, सो रहा है, ये क्या है? विधेय है। तो शब्द और वाक्य को आप लोगों ने अच्छे से जाना, उम्मीद है क्लास 4 आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार आप लोग इस चैप्टर को रीड करोगे, फिर दोबारा से ये वीडियो देखोगे, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।